वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पर। आज हम आपके लेके आए और एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे इनपुट टाइप में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्म टैग कैसे काम करता है। आज हम बात करेंगे इनपुट टाइप जो होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। जब भी आपने इनपुट टाइप यूज़ करना है वो फॉर्म के बीच ही यूज़ करना है, क्योंकि इनपुट के टाइप जो भी होता है उसकी वजह से डाटा हम सर्वर को सेंड करेंगे, ठीक है। जिसके भी जिसको भी डाटा की रिक्वायरमेंट उसको सेंड करेंगे। चलो देखते हैं कि इनपुट टाइप कैसे काम करता है। पहले हम नॉर्मल इनपुट टाइप लिखते हैं, ठीक है जी। ओपनिंग टैग इनपुट टाइप, हमने इनपुट ऐसे इनपुट लिखना, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। सेव किया हमने तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जे वाला जो बॉक्स बना है इस पर हम वैल्यू एंटर करते हैं, चाहे ईमेल आईडी हो कुछ भी हो। जो 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 जे मैं जे बॉक्स बना है जे किसकी वजह से बना, जे इस इनपुट की वजह से बना। किसकी वजह से बना जे? जे इनपुट की वजह से बना। इसके लिए हम और क्या देते हैं, हम देते हैं इनपुट टाइप। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है मैं जो लिख रहा हूँ इनपुट टाइप, तो हम क्या देंगे टेक्स्ट, ठीक है। लो हमने क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, हमने सेव किया, ठीक है। तो जो सेव किया फिर हमने इसको क्या रीलोड किया, रिफ्रेश किया, तो सेम वही बॉक्स जो हमने लास्ट डिफॉल्ट बनता है कि अगर इनपुट भी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, टेक्स्ट का ही होता है, ठीक है। हम एक और चीज़ लिख देते हैं, मुझे स्टार्टिंग में यूज़र नेम, यूज़र, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, हमने सेव किया। तो अब इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं। तो यूज़र नेम जो, ठीक है, जो जे आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, जो हमने यूज़र नेम लिखा वो आ रहा है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, यूज़र नेम फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, हम इसके साथ पासवर्ड ऐड करते हैं, जैसे हम देते हैं किसी भी ईमेल आईडी में, ठीक है। तो हम ऐसे पासवर्ड लिखते हैं, पासवर्ड, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि इनपुट टाइप हमने जो दे रहे हैं इनपुट टाइप, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे पासवर्ड। पास पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था, अब इनपुट टाइप क्या लिखेंगे, पासवर्ड। अब लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। अब इसको, इसका क्लोजिंग टैग तो नहीं होता जी, ओपनिंग टैग ही होता है, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया, इसको सेव किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको रीलोड किया, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसका पासवर्ड भी दे रहे हैं हम। इसको क्या करते हैं, अभी एक और लाइन कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक टैग से ये पासवर्ड वाला जो होगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखो, पासवर्ड वाला न्यू लाइन में आ गया। और यूज़र नेम, यूज़र नेम में आप क्या फिल कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो ए अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कुछ भी एंटर कर सकते हो, कोई सिंबल हो, कुछ भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है। और पासवर्ड में जो भी आप एंटर कर रहे हो वो किस चीज़ में आएगा, वो आएगा बुलेट सिंबल, बुलेट बुलेट का साइन आएगा, या कोई और ब्राउजर है उस पर स्टार भी आ सकता है, बुलेट भी आ सकता है, जैसे आप पासवर्ड एंटर करते हो, बस उस चीज़ का सिंबल होएगा आपकी स्क्रीन पे। जो भी आप एंटर कर रहे हो वो पासवर्ड में वो बुलेट का, बुलेट के साइन के थ्रू प्रिंट होगा, ठीक है। समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कि पासवर्ड वाले के, पासवर्ड वाले जो बॉक्स बनाया उनको टाइप पासवर्ड दिया, उसके बॉक्स में क्या आएगा, जो बुलेट आपके प्रिंट होंगे जो भी आप एंटर करेंगे। बस आपने करना क्या, इनपुट टाइप क्या देना है, इनपुट टाइप पासवर्ड देना है। बाकी इनपुट टाइप टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट होएगा ही, जो आप जो भी अल्फाबेट नंबर कुछ भी एंटर कर सकते हो। और पासवर्ड जब एंटर करोगे, जब आपने इनपुट टाइप पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड डालने, तो वहां पे आप क्या दोगे, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। ये तो हमारा प्रोग्राम इनपुट टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन पर जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।